नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक समय की बात है कि एक जंगल में बहुत सारी भेड़ बकरियां चरने गई। उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उसको उस लता से निकलने में बहुत देर लगी। तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच चुकी थी। अंधेरा भी हो रहा था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे पर गीली मिट्टी पर सिंह का एक चरण चिन्ह अंकित था। वह उस चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी बकरी को खाने के लिए उसके पास में आए तो उस बकरी ने कहा कि मुझे खाने से पहले देख लेना कि मैं किसकी शरण में हूँ, तब उसके बाद मुझे हाथ लगाना। ये चिन्ह को देखकर सब कहने लगे, अरे ये तो शेर का चिन्ह है, जल्दी भागो यहाँ से, अगर शेर आ गया तो हमें मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए। अंत में जिसका चरण चिन्ह था वह शेर स्वयं आया और बकरी से बोला, तू इस जंगल में अकेली कैसे बैठी है। बकरी ने कहा कि ये चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना, जिसका ये चरण चिन्ह है उसी के मैं शरण में बैठी हूँ। शेर ने देखा कि ओह, ये तो मेरे ही चरण चिन्ह है, ये बकरी तो मेरे ही शरण में है। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए एक ऊँट आया तो सिंह ने ऊँट से कहा, तू इस बकरी को अपने पीठ पर चढ़ा ले, इसे जंगल में चरा कर लाया कर और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर ऊँट थर थर कांपने लगा। उसने तुरंत बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर ऊँट की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों के ऊपर की कोपलें खाया करती और मस्त रहती। साथियों, इसी प्रकार जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के शरण में हो जाता है, तो उसके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, कोई भी उसे किसी रूप में हानि नहीं पहुंचा सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे आप इस धराधाम पर आए हैं तो आने से पहले आपके भोजन का, आपकी हर चीज़ का इंतज़ाम किसने किया, उसी प्रकार आगे भी वही करेगा। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।